सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो श्रीदेव सुमन जो कि उत्तराखंड में है यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर वहां से पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पीएचडी के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं। तो जो भी बच्चे फॉर्म भरने चाहते हैं वो आज यानी कि 1 मई से अपना आवेदन कर सकते हैं। आज इसका बारे में जानकारी मिली है और 25 मई तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 25 जून को और एडमिट कार्ड आप 18 जून तक डाउनलोड कर सकते हैं। फीस जो बताई गई है वो है 2050 फॉर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और जो SC ST या फिजिकली चैलेंज बच्चे उनके लिए 1050 रुपये यानी कि 1050 आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जरूरी सूचना और अपडेट उन सभी बच्चों को देना चाहती थी जो उत्तराखंड की श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते थे किसी भी उसमें। तो अब आप अपना आवेदन कर सकते हैं। लॉग इन करना पड़ेगा, वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा sdsuv.in पे जाना पड़ेगा और वहीं पे आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी, बीएड का भी अपडेट आई थिंक इसके बाद आ ही जाएगा क्योंकि अभी पीएचडी के फॉर्म आ गए हैं, तो बीएड के फॉर्म भी निश्चित ही 15 अप्रैल तक निश्चित रूप से या 20 अप्रैल तक आ जाएंगे। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी जानकारियां मैं अपने चैनल से लगातार आप लोगों तक पहुंचा रही हूं, जो भी टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित जो भी हो रहा है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक दूसरा चैनल खोला है जिसका कि नाम है खोज आईएएस एंड लीगल अफसर्स, जिसमें कि मैं यूपीएससी के बच्चों को जो भी हिस्ट्री के टॉपिक, सोशियोलॉजी के टॉपिक या जो भी टॉपिक्स होते आते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में, उनको कवर करने की कोशिश करूंगी। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं आईएएस की टीचर बन गई हूँ, पर जो मैंने अपने पढ़ा है, जैसे कि मुझे पता है, मैंने सिलेबस देखा है, तो जो मैं आपको कवर करवा सकती हूँ वो आप मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आज मैंने जो वीडियो में डालने वाली हूँ वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, यानी कि बंगाल का विभाजन जब हुआ था 1905 में, तो उसका वीडियो आएगा। बाकी और भी लगातार वीडियो, सारे वीडियो मैं एनसीईआरटी की बुक से बना रही हूँ बच्चों, कोई दूसरे गूगल के नोट से नहीं बना रही हूँ। एनसीईआरटी की जो मेरी बुक है उसी से मैं आप लोगों को बनाऊंगी और उसी से उसमें पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो, जय जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।